एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सपना। आज के इस वीडियो में हम मेडिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। मींस जब कोई भी इंसान कोई बीमार पड़ता है, जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को फीवर आया है, किसी के बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे जो मेडिसिंस दी जाती है उनको क्या नाम बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। और ये जो मेरी वीडियो होगी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं मेनली उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन का मतलब क्या है कि जब बॉडी के अंदर एलर्जी हो जाती है उसके टाइम पे जब एलर्जी को ठीक करने के लिए जो मेडिसिंस यूज करी जाती हैं उनको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। ओके, दूसरा है एनालजिस्क। एनालजिस्क का मतलब क्या है, पेन किलर। जब बॉडी में कभी पेन होता है तो एनालजिस्क दी जाती है। एंटी पायरेटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, और पायरेटिक का मतलब होता है फीवर। मींस फीवर को ठीक करने के लिए जो मेडिकल सॉल्यूशन, मेडिकल ट्रीटमेंट जो यूज़ किया जाता है, मेडिकल जो जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उन दवाइयों का नाम क्या होता है, एंटी पायरेटिक। अब फोर्थ पॉइंट है एंटीसेप्टिक। ये क्या मतलब है इसका कि जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे जो दवाइयाँ यूज होती हैं उसको बोला जाता है एंटीसेप्टिक। तो ये यूज की जाती है पस को ठीक करने के लिए। ठीक है, फिफ्थ है एंटीबायोटिक। एंटी का अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स ये फिर से इन्फेक्शन का है कि जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो उसको इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उसके अगेंस्ट जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक। एंटी अनीमिया। एंटी का मतलब अगेंस्ट, अनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। तो जब बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाता है उस टाइम पे जो मेडिसन्स और जो मेडिकल सॉल्यूशन यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी एनीमिया। सेवन्थ है एंटी इमेटिक। इसका मतलब क्या है, वोमिटिंग को रोकने के लिए दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी इमेटिक। ठीक है, एट पॉइंट है एंटी एसिड। मतलब एसिड के अगेंस्ट, जब हमारे स्टमक में स्टमक बर्न होता है, ठीक है, क्या इस ये किसकी वजह से होता है, जब हम कभी बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या जंक फूड खा लेने से क्या होता है, स्टमक बर्न होने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे, उसको ठीक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, एंटी एसिड जो मेडिकल सॉल्यूशन है, एंटी एसिड जो दवाई है वो यूज की जाती है। ओके, नाइन्थ है एंटी फ्लैटुलेंस। जब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, गैस ज़्यादा बनने लग जाती है, उस टाइम पे जो ड्रग यूज होता है, दवाई यूज होती है उसको बोलते हैं एंटी फ्लैटुलेंस। टेन नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंटी स्पाजमोडिक। इसका मतलब क्या है, एंटी का मीन्स अगेंस्ट, एब्डोमिनल पेन। जब एब्डोमिनल में पेन होता है तो उस टाइम पे जो दवाई यूज की जाती है उसका क्या नाम होता है, एंटी स्पाजमोडिक। इलेवंथ है एंटी एंजिनल। एंजिनल जहाँ पे भी आपको लगता है वर्ड दिखता है उसको आप समझ लेना है कि ये रिलेटेड होता है हार्ट से। तो अगेंस्ट कार्डियक पेन, जब कार्डियक पेन होता है किसी को तो उस टाइम पे जो मेडिसिन यूज की जाती है, उस टाइम पे जो मेडिकल सॉल्यूशन यूज किया जाता है उसको बोलता है एंटी एंजिनल। ट्वेल्थ पॉइंट है एंटी अर्थेनिक। इसका मतलब क्या है, ये भी कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, एंटी हाइपर टेंसिव। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उस टाइम पे जो मेडिकल सॉल्यूशन यूज होता है, जो ड्रग यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी लिपेमिक, इसका मतलब क्या है, एंटी अगेंस्ट लिपेमिक मीन्स लिपिड के, मतलब जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटी लिपेमिक ड्रग्स। फिफ्टीन पॉइंट है एंटी कोएगुलेंट, मीन्स ब्लड को थिन करने के लिए जो मेडिसन्स या फिर जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जो मेडिकल सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट। तीन पॉइंट है फ्रेंड्स एंटी डिप्रेसेंट। इसका मतलब क्या है, डिप्रेंस के अगेंस्ट, जब कोई इंसान ज़्यादा सोचता रहता है, किसी कारण फेलियर हो जाता है तो उस टाइम पे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके डॉक्टर उनको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 17 पॉइंट का मतलब क्या है, हिप्नोटिक। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ड्रग होता है ये स्लीप के लिए दे जाता है। कुछ लोग अच्छे तरीके से सो नहीं पाते किसी कारण के, तो उनको डॉक्टर क्या देते हैं, हिप्नोटिक सॉल्यूशन, जो मेडिकल सॉल्यूशन होता है वो उनको देते हैं। मीन्स अगेंस्ट एन एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। जब किसी को ज़्यादा चिंता हो जाती है तो डॉक्टर उसको कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, उसको बोलते हैं
एंटी एनेक्जाइटी, जो किसके लिए यूज होती है, फॉर एनेक्जाइटी मीन जो चिंता के लिए यूज होती है। एंटी परकिंसन, जो परकिंसन डिजीज होती है उसके लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटी परकिंसन। अंदर क्या होता है, जो ब्रेन होता है जिस इंसान को परकिंसन डिजीज हो जाती है उसका ब्रेन जो है काम नहीं करता अच्छे से, वो ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है उसको, तो उसकी जो बॉडी होती है वो मतलब पूरे टाइम ऐसे उसको शेकिंग मस कपकपाहट सी रहती है ना, चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, और जो हमारे जो ब्रेन काम करता है उसके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में के टाइम पे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो एंटी पार्किंसन का मतलब क्या होता है कि फॉर पार्किंसन, मतलब पार्किंसन डिजीज़ को ठीक करने के लिए जो मेडिकल सॉल्यूशन दिया जाता है। एंटी स्ट्रोक मीन्स स्ट्रोक के लिए। एंटी वायरल, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड वायरल मीन्स जो वायरस के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी वायरल। एंटी टीबी मीन्स जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी की जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए जो मेडिकल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी टीबी। तो स्टूडेंट ये थे कुछ मेडिकल सॉल्यूशंस, आई होप आप लोगों को अच्छे लगी होगी मेरी ये वीडियो। अगर आप लोगों के लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही है, आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।